हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जी हो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर और आज एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ ये टॉपिक खासकर बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए है और बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि कौन से बाँसुरी ले और जो है कि आज मैं उस जो शुरुआत करते समय मतलब कौन से बाँसुरी का सबसे पहले प्रयोग करें किससे बेटर होगा शुरुआत करना कौन अच्छा रहेगा बाँसुरी तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि देखिए बिगनर्स जब होते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाँसुरी कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है किससे ले किससे नहीं लें तो देखिए इसके लिए जो है कि बाँसुरी अगर आपने कहीं से मंगाया तो आप ये कैसे जानेंगे कि यह बाँसुरी जो है कि सही है या गलत है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि शुरुआत करते समय कौन सा स्केल का फ्लूट का बाँसुरी ले तो देखिए स्केल क्या होता है स्केल जो होता है ना स्केल एक तरह से पीछे जो होता है जैसे एक सी मिडिल हो गया सी शार्प हो गया डी हो गया हर एक का साउंड अलग अलग होता है उसका मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज़ किसी का साउंड अलग होता है कोई साउंड अलग होता है किसी का जैसा हम बोल रहे हैं तो हमारा साउंड अलग होगा कोई और बोलेगा तो अलग साउंड होगा तो वो कौन सा स्किल में बोल रहा है उसका कोई मोटा बोलता है कोई पतला बोलता है कोई कोई तीखा बोलता है मतलब कोई क्या बोलते हैं आपको जो है कि कोई किसी का आवाज़ पतली होती है किसी की आवाज़ मोटी बारीक किसी की आवाज़ मोटी होती है किसी के मीडियम होती है तो उसी तरह से जो होता है ना कि बासुरी में भी यही चीज़ होता है कि बासुरी के हर एक मतलब कि पीछे के अनुसार हर एक मतलब कि पतली आवाज़ मोटी आवाज़ तो उसी के उसी के अनुसार उसको स्केल में डिवाइड कर दिया गया है कि ये सी है ये सी सार्फ है ये डी है ये डी शार्फ है ये ई है ई सार्फ नहीं होता एफ है एफ शार्फ जी जी सार, ए ए सार, बी बी सार नहीं होता है तो इस तरह से जो है कि बारह तरह का स्केल होता है तो शुरुआत में जो है कि आप लोगों को सबसे बेटर होता है मेरे आइडिया के अनुसार बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे गुरु आपको अलग राय देंगे उनके नज़रिए में अलग शायद मतलब निकलता होगा लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सी मिडिल फ्लूट जो होता है ना सबसे परफेक्ट होता है पूछिए क्यों क्योंकि देखिए सी मिडिल फ्लूट ये तो ज़्यादा जा, ना छोटी होती है और ये ना बड़ी होती है अगर आप सी मिडिल से बजाएंगे तो आपको छोटी बासुरी बजाने में भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना देखिए फिंगर का जो डिस्टेंस होता है यह आपको एक मीडियम में कवर करके रखता है सी मीडियम फ्लूट जो होता है जो मिडिल फ्लूट होता है ये जो है आपको मतलब कि आप बड़े बासुरी में बजिएगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा इसको फैलाने में अगर आप शुरू से ही छोटी बाँसुरी बजाइएगा तो ये ये जो है ना ये चिपक जाएगा ये सब चिप मतलब कि चिपका चिपका रहेगा तो फिर बड़ा बाँसुरी के लिए जो है ना ये आपका जो है ना ये फ्री नहीं रहेगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा यहाँ ऐसे जाना पड़ेगा फिर ऐसे जाना पड़ेगा इस तरह से और बड़ी बाँसुरी अगर ले लीजिएगा तो फिर छोटी बाँसुरी में क्या होगा अगर बहुत बड़ा अगर ई बेस ले, ले लीजिएगा या ये एफ सारे बेस फ्लूट लीजिएगा बहुत बड़ी बड़ी बाँसुरी से रियाज कीजिएगा तो फिर छोटी बाँसुरी को बजाने में क्या होगा ये पूरा तना आ जाए तो छोटी बासुरी में आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा फिर वहाँ से यहाँ आने में जो है ना कि ये लगेगा कि चिपका चिपका हुआ है तो इसीलिए जो है ना कि मिडिल फ्लूट जो होता है जैसे सी मीडियम या सी शार्क मैं बोलता हूँ सी शार्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आप सी मिडिल से स्टार्ट कीजिए सी मिडिल में क्या होता है ये मिडिल होता है ना स्मॉल होता है और न ये लार्ज होता है तो आपको दोनों तरफ फैलाने में जो है ना इस तरफ से भी आपको आ जाएगा और बड़ी बासुरी में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और छोटी बासुरी में भी ज़्यादा नहीं मेहनत करना पड़ेगा और सबसे पहली बात कि जब पहला फ्लूट ले याद रखिएगा पहला फ्लूट ले तो एक अच्छी फ्लूट ले ठीक है जिसकी मतलब कि एकदम उसका आपको बम्बू क्वालिटी भी अच्छा हो टोनल क्वालिटी भी अच्छा हो देखिए बम्बू क्वालिटी मायने नहीं रखता है लेकिन पहली बार आपको भरोसे के लिए आपको एक बढ़िया ब्रांडेड फ्लूट लेना चाहिए तो आप लोग जो है कि एक अच्छी फ्लूट लीजिए पहली बार स्टार्ट करते समय आप डिमोटिवेट ना हो ऐसा नहीं लगे यार ये मैंने बाँसरी गलत ले लिया अच्छा नहीं बज रहा है अच्छा नहीं बज रहा है तो इसीलिए एक भरोसे वाली आप बासुरी लीजिए उसके बाद जब आपको जब आइडिया हो जाएगा तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी बासुरी लेनी चाहिए किस से किस मेकर से लेनी चाहिए और बाँसुरी जब तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब एक वीडियो में बनाऊँगा उसमें सब बताऊँगा कि बासुरी जब ले लीजिए तो जो है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये बासू का ट्यूनल क्वालिटी अच्छा है या नहीं है ये हमने गलत तो नहीं ले लिया तो उसके लिए एक है एक आपको एक परफॉर्मा दूंगा आपको समझ सम बहुत अच्छे ढंग से आपको उस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा तो ये सी मिडिल फ्लूट है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपको बहुत अच्छे से बजेगा ये सामलिया फ्लूट है तो मैं देखिए मेरे से बहुत सारे लड़के बोलते हैं आप किस मेकर से लेते हो देखिए मैं बहुत मेकर से लिया देखिए ये सामलिया फ्लूट है और ये जो है कि देखिए ये मैंने लिया हूँ ये पूनम फ्लूट है जो पूनम फ्लूट है ये बी बेस का फ्लूट है और एक उपासना फ्लूट लिया था विनायक फ्लूट सर्फ उद्दीन में अनेक अनेक तरह का फ्लूट का यूज अले हर फ्लूट मेकर से लिया हूँ तो लेकिन अब जाके विश्वास हुआ मतलब भरोसे हुआ कि आप कहीं से भी लीजिए फ्लूट लेकिन उसका ट्यूनल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बम्बू क्वालिटी मैंने नहीं रखता है तो आप देखिए आप सी मिडिल फ्लूट जब बजाने लगेंगे आपको अच्छी तरह से हो गया आपको ब्लोइंग अच्छा हो गया आपका फिंगरिंग अच्छा हो गया तो उसके बाद आप थोड़ा सा बड़ी बाँसुरी का यूज कर सकते हैं एक ढंग से बढ़ सकते हैं आप बी बेस फ्लूट यूज कर सकते हैं बी बेस इसलिए क्योंकि देखिए सी मिडिल से थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा सा मोटाई में थोड़ा सा यू होता है थोड़ा सा मोटाई में भी बढ़ता है तो आपको फिर फिंगर जो है ना थोड़ा एडजस्ट करने में अच्छा रहता है और उसके बाद जो है ना आप ए बेस बी ले सकते हैं या उसके बदले में डायरेक्ट जी बेस का फ्लोट ले सकते हैं जी बेस ये है देखिए ये जी बेस ये जी बेस का फ्लोट तो पहले सी उसके बाद आप बी ले सकते हैं उसके बाद ए या जी ले सकते हैं जी के बाद आप धीरे धीरे जो है ना उसके लेंथ के अनुसार बढ़ सकते हैं जी के बाद आप एफ ले सकते हैं एफ सार और उसके बाद ई ले सकते हैं ठीक है आपको फिंगर के अनुसार ई बहुत लास्ट हो जाता है आपको ई के लिए बहुत मतलब कि सालों मेहनत करना पड़ता है ई बेस के लिए अगर आपका फिंगर का लंबाई अच्छा है तो फिर तो आप जल्दी उसको कवर कर सकते हैं आपको होल को ठीक है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पहले सी मिडिल फ्लूट का यूज कीजिए आप जो है कि उसको बजाइए अच्छे ढंग से फिर आप जो है कि उसके बाद सीरियली ढंग से जैसे मैं बताया वैसे आप बढ़ सकते हैं तो याद रखिए बिगनर्स के लिए सबसे बेहतर फ्लूट सी मिडिल फ्लूट है सी मीडियम फ्लूट सी नेचुरल मीडियम सबका एक ही नाम है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है तो आप हमसे आप हमारा पर्सनल नंबर नाइन फाइव टू फाइव नाइन सिक्स एट थ्री थ्री एट पर आप हमें संपर्क कीजिए मैं आपको बेहतर आइडिया दूंगा कि कहाँ से फ्लूट ले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक